और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दोहरी शहरियत का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया है। दोहरी शहरियत वाले को जज तैनात करने पर पाबंदी का आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में जमा हो चुका है। जेयूआई रुकन नूर आलम खान ने तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। बिल में आईन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं। किस किस्म की तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की दोहरी शहरियत का मामला है। जेयूआई से रुकन नूर आलम खान ने आला अदालतों के जजों की दोहरी शहरियत खत्म करने के हवाले से बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। बिल के तहत आइन में तरमीम की जाएगी। नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 193, 177 और 208 में तरामीम तजवीज़ की हैं। आर्टिकल 208 में सिर्फ दो तजवीज़ की गई है, कोई भी किसी भी मुल्क की दोहरी शहरियत सस्ता हो, कोई जज और किसी भी अदालत का अफसर हो या मुलाजम हो, वो मुकर्रर नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की वफादारी मुल्क के अंदर होनी चाहिए, ये बिल का मतन है। उसके अलावा बिल में ये भी कहा गया है कि आईन के आर्टिकल 5 के तहत जजों की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तारिक, आपने अपडेट किया।